नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, लेसन नंबर 11 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन वन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, इसमें ए है रेलवेज एंड रोडवेज। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, हमने रेलवेज और रोडवेज दोनों के बीच का डिफरेंस लिखा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए, हमने इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस लिखा है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सी क्या है, कन्वेंशनल एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, आंसर इन डिटेल। तो इसमें नंबर वन है, न्यूज़पेपर्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो इसका आंसर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंड क्या है, एक्सप्लेन हाउ टीवी इज अ चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, थर्ड यहाँ पर है, व्हाट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस कैन बी डन थ्रू मोबाइल्स। तो इसका आंसर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, नेम देम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। इसमें नंबर वन है, 5 cities विथ एयरवेज सर्विसेज इन महाराष्ट्र। तो इसका आंसर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है ना, इसमें क्या क्या आएगा, मुंबई आएगा, पुणे, नासिक, नागपुर, नांदेड। सेकेंड है यहाँ पर, सर्विसेज अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिसेज। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड क्या है, नेशनल हाईवेज नियर योर एरिया। तो देखो हमने लिखा है MH 48। अब यहाँ पर फोर्थ है, पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर फोर है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द रिलेशन एंड मैच द कॉलम्स मेकिंग अ चेन। तो देखो हमने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है। ठीक है, तो देख लीजिए आप इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लेसन नंबर 11 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।